ओके कैसे हो भाई लोग, होप करता हूँ कि सारे होगी बढ़िया। एंड इस वीडियो में 10 ऐसे एनिमेशन बताऊंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का होगा, बहुत ही ज़्यादा। एंड 10 में से आप लोग एक से दो भी यूज़ नहीं करते होगे, हाँ मत, क्योंकि ये जितने भी 10 है ना, मतलब सारे हटके हैं अभी। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग इसमें से कितने यूज करते होंगे, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपके पास कैपकट नहीं है तो मे बी रिसेंट वाली वीडियो देख लो, नहीं तो यहाँ पे ये वाली लिंक आ रही होगी, इस पर क्लिक करके देख लो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन एक बार पढ़ लो। हाँ, 10 एनिमेशन में 5 ऐसे एनिमेशन होंगे जो कि आप पे फुटेज एंड लिरिक्स, जो पहला फुटेज होता है ऊपर टाइमलाइन में एंड जो नीचे लिरिक्स होता है, उन दोनों में सेम यूज कर सकते हो। 5 ऐसे पहले बताऊंगा एंड 5 फिर उसके बाद में ऐसे बताऊंगा जो फुटेज में कुछ अलग यूज होंगे, अलग एनिमेशन, एंड नीचे वाले में जो लिरिक्स होगा उसमें अलग एनिमेशन यूज होंगे, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा बेस्ट लगता है भाई, लास्ट 5 वाला, ठीक है। तो ये मिस कर देना, लेकिन लास्ट 5 वाला अगर मिस किए तो भाई बहुत पछताने वाले हो। बाकी चलो स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, तो बात करते हैं पहले कॉम्बो एनिमेशन। हाँ, जितने भी है ना सारे कॉम्बो के हैं। देखो, एनिमेशन में आते हो, कैपकट के एनिमेशन में आते हो, तो आपको 3 चीज़ें देखने को मिल जाती है। पहला इन एनिमेशन, आउट एनिमेशन एंड कॉम्बो। तो जितने जितने भी बताऊंगा सारे कॉम्बो का ही होगा, ठीक है। ठीक है, तो पहला है स्लाइड एंड वेव प्लस जूम 1। एक्चुअली मैंने लिख रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे देख रहा हूँ, ये देखो, ठीक है। तो जो फर्स्ट है वो है स्लाइड एंड वेव प्लस जूम 1। पहला में स्लाइड एंड वेव यूज करोगे जो भी पहला फुटेज होगा, एंड सेकंड में जूम 1 जो कि बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल का लगता है। एंड यहां पे देख सकते हो रिजल्ट कुछ ऐसा। एंड सेकंड जो एनिमेशन है वो है बाउंस 1 प्लस डिस्ट्रॉट राइट। हाँ, राइट है। एंड वहाँ पे आप लोग लेफ्ट भी यूज कर सकते हो, ठीक है। पहला है बाउंस 1 एंड जो पहला फुटेज होगा उसमें बाउंस 1 यूज करोगे, एंड सेकंड फुटेज में डिस्ट्रॉट राइट या लेफ्ट भी यूज कर सकते हो उसमें। तो कुछ आपको ऐसा रिजल्ट देखने को मिलता है जो कि बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का होता है। एंड जो भी यूज करोगे ना वो चीज़ आप लिरिक्स में भी यूज कर सकते हो, मतलब दोनों में सेम सेम, तो बहुत अच्छे लगेंगे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा इसमें। ओके, तो जो थर्ड है वो है राइज स्पिन प्लस स्पिन राइज, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, स्पिन के साइड जाओगे जहाँ स्पिन वाले जितने भी एनिमेशन होते हैं वहाँ पे जाओगे तो आपको देखने को मिल जाता है राइज स्पिन प्लस में स्पिन राइज, ठीक है। तो ये दोनों एनिमेशन यूज करो एंड रिजल्ट कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो बात करते हैं फोर्थ नंबर है यूयो 1। मतलब फर्स्ट फुटेज में आप लोग यूयो 1 यूज करोगे एंड सेकेंड फुटेज में बाउंस 2, ठीक है। ये दोनों यूज करो, ये बेसिकली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। जैसे यूयो 1 वो घूमता है और पीछे जैसे बैक आता है तो वो मतलब पंप होता है वो चीज़, ठीक है। बाउंस 2 वाला क्या होता है, पंप होता है, तो वो बहुत ज़्यादा बेस्ट लगता है। एंड यहाँ पे रिजल्ट कुछ देख सकते हो, कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। बात करते हैं फिफ्थ नंबर एंड लास्ट, ठीक है। इसका लास्ट मतलब जो लिरिक्स एंड फुटेज में जो यूज करोगे, तो फिफ्थ नंबर है वोबल प्लस स्वे इन। मतलब फर्स्ट फुटेज में वोबल यूज करोगे तो पहला में वोबल 1 एंड सेकंड में स्वे इन, ठीक है। तो इन दोनों में यूज करो, कुछ ऐसा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का है। ओके, तो ये जो मैंने 5 आपको बताई, ये थी मतलब फुटेज में भी वही यूज कर सकते हो एंड लिरिक्स में भी यही यूज कर सकते हो। एंड आप लोग कमेंट करके बताना इन 5 में से आप लोग कितना यूज करते हो। आई नो एक भी यूज़ नहीं करते होगे, ठीक है, इसमें से, क्योंकि हाँ एक यूज करते होगे, थर्ड नंबर जो है राइज स्पिन एंड स्पिन राइज वाला यूज करते होगे। आई नो, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों का देखा हूँ, लेकिन इसमें से आप किसी भी कोई भी यूज़ नहीं करते होगे, बाकी कमेंट में जरूर बताना। ओके, तो अब लास्ट 5 की बात करते हैं जिसमें आप लोग फुटेज में कुछ और एनिमेशन यूज करोगे एंड लिरिक्स में कुछ और एनिमेशन, ठीक है। तो सबसे पहला एनिमेशन की बात करते हैं, तो पहला जो है फुटेज में, देखो यहाँ पे 2 फुटेज होते हैं, 2 फुटेज में पहला में स्पिन एंड सेकंड में भी स्पिन, यहाँ पे स्पिन जो है बिल्कुल घूमते रहता है, ठीक है। तो वो वाला यूज करना स्पिन, एंड सेकेंड जो आपका लिरिक्स होगा, जो नीचे वाला लेयर में लिरिक्स लिखे होते हो उसमें पहला लिरिक्स में आप लोग स्पिनिंग टॉप 1, देखो स्पिनिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है ये वाला एनिमेशन, एंड इस पर टैप करो। टैप करने के बाद इसमें 1 एंड 2 भी होता है, दोनों होता है। तो पहला में 1 यूज करो स्पिनिंग टॉप 1 एंड सेकंड में स्पिनिंग टॉप 2, तो आपको कुछ ऐसा रिजल्ट देखने को मिलेगा। बेसिकली ये मेरा बहुत फेवरेट है, एंड जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते होंगे वो जानते होंगे कि मैं इस एनिमेशन को बहुत ज़्यादा यूज करता हूँ, ठीक है। फुटेज में कौन सा स्पिन एंड जो लिरिक्स है आपका, लिरिक्स में कौन सा स्पिनिंग टॉप 1 एंड स्पिनिंग टॉप 2, तो सारे एनिमेशन आपको कॉम्बो में ही मिल जाएंगे, तो ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है। एंड सारे आप लोग लिख लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो यहाँ से। अब बात करते हैं सेकंड नंबर, इसका सेकंड नंबर, एंड सेकंड नंबर बहुत सारे लोग जानते होंगे एंड ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। आई थिंक ये आप लोग यूज करते होंगे। पहला जो फुटेज है उसमें डिस्ट्रॉट राइट यूज करना एंड लेफ्ट राइट दोनों यूज करता हूँ। बेसिकली मैं क्या करता हूँ कि जब भी डिस्ट्रॉट यूज करता हूँ तो दोनों में सेम ही यूज करता हूँ। अगर लेफ्ट यूज कर रहा हूँ तो लेफ्ट ही यूज करता हूँ, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि फुटेज जब ऐसे पंप होता है पीछे का साइड ऐसे, तो जब भी राइट यूज करता हूँ तो
इस साइड पंप होने लगता है, जो कि उसका बीट मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता। तो अगर यूज कर रहे हो तो एक ही यूज करो, मतलब एक फुटेज में डेस्ट्रॉयड लेफ्ट यूज कर रहे हो तो सेकंड में भी वही डेस्ट्रॉयड लेफ्ट यूज करो, अगर राइट यूज कर रहे हो तो राइट ही यूज करो, ठीक है। तो फुटेज में ऊपर क्या होगा, डेस्ट्रॉयड राइट, एंड नीचे वाले में मतलब एनिमेशन सॉरी लिरिक्स में पेंडुलम वन एंड पेंडुलम टू, ठीक है। तो ये आप लोग यूज करते होगे एंड बहुत सारे लोग इसे यूज करते हैं, ठीक है। तो ये तो भाई यूज करते हो एंड रिजल्ट आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, देख लो। ओके, तो अब बात करते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर बिल्कुल सिमिलर है जो मैंने फर्स्ट आपको बताया था उसके साथ सिमिलर है, जिसके मतलब उसका बिल्कुल एनिमेशन क्या होता था कि बिल्कुल सीधा होता था, इसमें थोड़ा उल्टा होगा। देखो पहला जो फुटेज होता है, पहला फुटेज में योयो वन यूज करना एनिमेशन, एंड सेकंड फुटेज में योयो टू एनिमेशन यूज करना, एंड जो नीचे वाला एनिमेशन होगा उसमें स्पैनिंग टॉप वन एंड स्पैनिंग टॉप टू, स्पैनिंग टॉप वन एंड स्पैनिंग टॉप टू, जो कि यहाँ पे आपको सेम देखने को मिल जाता है एंड आपको रिजल्ट कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो कि बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का है ये भी। ओके, तो अब बात करते हैं फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर है ऊपर वाले फुटेज में, जो फुटेज है ऊपर वाला उसमें डिस्टॉर्ट राइट यूज करना, मतलब दोनों फुटेज में राइट यूज करना या लेफ्ट राइट जो भी आपको अच्छा लगता है यूज करना, मतलब डिस्टॉर्ट होना चाहिए, ठीक है। एंड जो नीचे वाला लिरिक्स होगा, लिरिक्स में एंगल वन एंड एंगल टू, जो कि आपको इस साइड देखने को मिल जाता है, सबसे लास्ट में जाओगे तो उस साइड आपको देखने को मिल जाता है एंगल वन एंड एंगल टू, ठीक है। तो आपको कुछ ऐसा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ओके, तो अब बात करते हैं सबसे लास्ट एंड सबसे लास्ट मतलब कुछ खास नहीं है, वो भी नॉर्मल है, जो फुटेज है उसमें स्पिन यूज करना एंड जो नीचे वाला है उसमें पेंडुलम वन एंड पेंडुलम टू, ठीक है। तो ऊपर वाले जो फुटेज है उसमें दोनों में एनिमेस सॉरी स्पिन, ठीक है, स्पिन यूज करना, एंड सेकंड वाले जो है उसमें पहला में पेंडुलम वन एंड पेंडुलम टू, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा बेटर लगता है एंड देख सकते हो कुछ ऐसा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो ये हो गए 10 कॉम्बो वाले एनिमेशन, जो कि आप लोग होप करता हूँ कि पसंद आ गया एंड कमेंट करके जरूर बताना भाई इसमें से कितने आप लोग यूज करते हो। मैं बेसिकली मैं बता दूँ कि पहला जो यूज करते होगे आप लोग बहुत ज़्यादा ये वाला डिस्टॉर्ट लेफ्ट राइट एंड पेंडुलम वन, मतलब ये वाला बहुत ज़्यादा आप लोग यूज करते होगे एंड जितने भी मैंने बताई नहीं करते होगे, ठीक है, क्योंकि ये सारे नए हैं और सारे बेस्ट हैं भाई। तो यूज करो एंड अपनी वीडियो को नेक्स्ट लेवल तक ले जाओ, ठीक है। एंड हाँ, मेंशन जरूर करना इंस्टाग्राम पे, ठीक है। ओके, तो होप करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर सकते हो इस वीडियो पे एंड 500 करवा देना अगर 24 घंटे से पहले देख रहे हो तो, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। आप लोगों को वीडियो कैसा चाहिए कमेंट वगैरह करते रहो भाई। ओके, तो मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। बाय बाय।